हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी दर्शकों को अपना नमस्कार बोलना चाहूँगी। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्राची सिंह है। प्राची सिंह कहाँ के रहने वाली? प्राची सिंह, मैं बेसिकली मेरा बॉर्न है जो मुंबई से रहा है, बट मेरा नेटिव प्लेस, मेरे गांव वगैरह वो एमपी में है, कटनी सतना। कैसे भोजपुरी फिल्म करने कैसे दिमाग में आपको? मैं ये सब इंडस्ट्री की थी नहीं, बट बस लोगों को मेरा टैलेंट दिखा। कुछ डायरेक्टर्स हो गए, जैसे चंदन जी थे हमारे लास्ट फिल्म के डायरेक्टर, तो उन्होंने मेरा टैलेंट देखा तो उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर किया। और अब वो टैलेंट के बाद अब इसमें मेरे कुछ एल्बम्स भी आए हुए थे बीच में, तो लोगों ने वो भी देखा और काबरा जी सर ने मुझे अभी ये फिल्म ऑफर किया जी। आप एमपी के रहने वाली हैं सपना से? हाँ जी। कैसे भोजपुरी सिनेमा में आपको क्या आगे पहली फिल्म करने का, दूसरी फिल्म कर रही है, कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए बहुत नया था और भोजपुरी बोलना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने मेहनत की उस पर और काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। जैसे कि लास्ट हमारा जो मेरे प्यार से मिला दे का जो कास्ट था वो संचिता बनर्जी थी और किशन राय जी थे, तो इन सभी लोगों का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हमारे डायरेक्टर का, काफ़ी पूरी टीम का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो मैंने बहुत अच्छे से वो रोल किया और बस अब ट्राई कर रही हूँ मैं ये भी रोल उतना अच्छे से करूँ। और यहाँ पे भी मुझे आज फर्स्ट डे है मेरा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का सपोर्ट तो हमेशा से रहा मेरे लिए। पहली फिल्म का टाइटल था मेरे प्यार से मिला दे। हाँ जी, मेरे प्यार से मिला दे। प्यार से लोगों ने मिलाया? हाँ, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, वो आप जाके वहाँ पे देखिएगा, लेकिन मेरा प्यार उसमें था और मिला नहीं मिला ये मैं नहीं बताऊँगी। आपके अपोजिट किशन राय जी हैं, उनके साथ कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव एक्टर हैं वो, बहुत अच्छे भी एक्टर हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने मिली और संचिता जी से भी सेम ऐसे ही काफ़ी उनसे सीखने मिला। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं दोनों जन भी, तो उनका स्वभाव और नेचर बहुत अच्छा है। जो सेट पे हम मस्ती मजाक और काफ़ी चीज़ें हमें अच्छे से था कि यार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती थी जैसे कि हमेशा से होता है कि यार ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो लोग वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि यार संचिता दी आके मुझे सपोर्ट करती थी कि प्राची अगर इसको ऐसे रहेगा तो और अच्छा लगेगा। लुक्स के ऊपर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है कि प्राची अगर ये रहेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, तो उस तरीके से मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं है, तो मैं हमेशा उनके बारे में बोलती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा, दोनों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। भोजपुरी के बारे में पहले कुछ आपने सुना था और अभी क्या है? अब तक तो मैं जब इस इंडस्ट्री से नहीं थी तो मैं भोजपुरी का तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता है मैंने कभी एक मूवी भी नहीं देखी है, बट आने से पहले मैंने देखना शुरू किया कि अब जा रही हूँ तो ज़रूर देखूँगी। और लोगों के बारे में सुनती थी, कुछ कुछ वीडियोस देखती भी थी, तो अच्छा नहीं लगता था कि अरे यार ये क्या है यार, इसमें क्या काम करना, ऐसे सब वल्गैरिटी दिखती थी। बट जब काम किया तो समझ में आया कि ऐसा नहीं है, अगर बुरे काम होते हैं कहीं पे तो अच्छे भी होते हैं। तो बस जो भी फिल्म अभी की है पारिवारिक की है, लोग सभी बच्चों के साथ लोग जाके देख सकते हैं, और जो अब करने जा रही हूँ वो भी ऐसी ही है, पारिवारिक मूवी है और लोग बहुत अच्छी कॉमेडी, एक अच्छी फिल्म है, एक्शन कॉमेडी सब कुछ है, तो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भोजपुरी में और किसी हीरो को जानती है? भोजपुरी में अभी फिलहाल तो मुझे लगता है मैंने किशन राय जी के साथ अभी दो फिल्में की है, उसके अलावा मैंने हाँ मनोज जी को मैं जानती हूँ और राघव नैयर उन्हें भी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और ज़्यादा किसी को अभी नहीं जानती। नाम सुना आपने किसी बड़े हीरो का? हाँ जी, बड़े हीरो का नाम सुना है, पवन सिंह को हमने जान, अब इंडस्ट्री में आ गई हूँ तो सबको जानने लगी हूँ, एज अ नाम से जानने लगी हूँ। पवन सिंह, केसारी जी, और फिर केसारी जी अभी बिग बॉस में भी थे, और निरहुआ जी, तो इन सबको जानते हूँ। अच्छी थी, बहुत अच्छा किया, एक्चुअली वो जिस स्वभाव के हैं वही स्वभाव उनका वहाँ पे दिखा, वो सबकी तरह एग्रेसिव और वो सब चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो ऐसे नहीं है रियल लाइफ में, तो जो थे उन्होंने वो दिखाया। अब ऑडियंस को चाहिए झगड़ा वगड़ा तो हर इंसान के अंदर तो नहीं होता है ना कि वो हर इंसान झगड़ा ही करे जाते ही, सबके अंदर नहीं होता, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि नहीं अब हम ऐसे हैं तो हम ऐसे ही हैं। आज किस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं? आज फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ बट अभी मैं नाम नहीं अनाउंस कर सकती क्योंकि शायद उन्हीं लोगों ने भी नाम अनाउंस नहीं किया है, सो अभी मैं वो नहीं बता सकती, वो टॉप सीक्रेट है, लेकिन जल्दी आपको सुनने मिलेगा। कलाकार आपके साथ इस फिल्म में? हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर जी हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, धीरज ठाकुर,
जो कि मेरा सॉन्ग भी उन्होंने शूट किया था, और बहुत ज़्यादा टैलेंट है वो सॉन्ग में ही आप देख सकते हैं। और हीरोइन में संचिता बैनर्जी है, मनी भट्टाचार्य है, प्रियंका पंडित है, और कनक पांडे है, और प्राची सिंह है। अभी है फिल्म? हाँ जी। अच्छा जी, इंटरव्यू दे रही हूँ मैं और आप पूछ रहे हैं आप भी हैं। हाँ जी, मैं हूँ इस फिल्म में। ऊपर कितने गाने होंगे फिल्म में? इस फिल्म में सभी हीरोइन के एक एक गाने, एक जो इंडिविजुअल गाना एक है, और एक कोई पूजा का कोई सॉन्ग है, और एक गाना ऐसा है कि सभी लोग हैं उसमें, तो बेसिकली सबके पास तीन तीन सॉन्ग है। लड़ाई होती हीरोइनों के साथ आपकी सेट पे? नहीं, आज तक तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई है, इवन किसी के साथ नहीं, मैं सभी लोगों के साथ, चाहे वो मेरे लोग हो या फिर जो मेरे साथ काम करते हैं, या एक छोटा सा बॉय ही क्यों ना हो, बट मेरे साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, और मेरे साथ सबका ऐसा ही होता है, मैं बहुत चुलबुली सी सब लोगों के सामने रहती हूँ, तो वो लोग मुझे पसंद करते हैं। जी बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपना प्यार और सब कुछ हमें दीजिए, हमारी फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म अभी मेरे प्यार से मिला दे आने वाली है, और सेकंड फिल्म अभी हमारी ये शूट हो रही है, ये भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, और आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ भी अजीब गंदा सा नहीं दिखेगा, आप बेफिक्र जाके मूवी देख सकते हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग भी खुश रहिए, हमें भी ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.